नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जनता जनार्दन की निष्काम सेवा हो सके, इसके लिए महाराष्ट्र की चार पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं कि मिलकर लड़े या अकेले। 288 सीटों की लिस्ट सबने बना ली है, मगर अकेले लड़ने का ऐलान सब दूसरे पर छोड़ रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना की खींचतान गठबंधन के भीतर आजाद लोकतंत्र का नमूना है या लोकतंत्र के नाम पर किसी अज्ञात भय या अविश्वास का नमूना? अल्टीमेटम का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि उसकी गंभीरता ही समाप्त हो चुकी है। जाहिर है इस खींचतान में मार्केटिंग कंपनियों के बनाए नारे किंचित अकुला रहे होंगे, जिन्हें आपके भविष्य को बदलने के लिए गढ़ा गया होगा। सवाल आपकी मुक्ति का है। जाहिर है बैठ के लंबी तो होंगी ही, होनी भी चाहिए। फिलहाल हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त गठबंधन के तमाम स्वरूप संकट में हैं। व्याकरण के हिसाब से पार्टियां स्त्रीलिंग हैं, मगर इनका नजरिया पुलिंग की तरह है, इसीलिए पत्रकार बिग ब्रदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बहन नहीं। शायद हमारी बड़ी बहनों को ऐसी नकारात्मक प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। क्या बीजेपी शिवसेना के साथ बिग ब्रदर का गेम खेल रही है? क्या शिवसेना बड़ा भाई बनना चाहती है? ये कहानी 2-4 सीटों की है या उससे भी कुछ ज्यादा? क्या शिवसेना बीजेपी की विस्तारवादी नीति से सचेत हो रही है या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बीजेपी युक्त भारत में बदल देने के लिए बेताब है? बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा बेहतर रहा है महाराष्ट्र में, क्या बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने पर शिवसेना को कुर्सी नहीं मिलने का खतरा है? इसीलिए साफ साफ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता हमें चाहिए। बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी का मजाक उड़ाते हैं कि सीट मांगने आए हैं या देने आए हैं। नरेंद्र मोदी को 2002 में बाला साहब ठाकरे ने बचाया था, आप दिल्ली में राज कीजिए, हम महाराष्ट्र में करेंगे। क्या शिवसेना असुरक्षित महसूस कर रही है? क्या उसे भरोसा नहीं है बीजेपी पर? क्या इस वजह से नहीं है क्योंकि एनडीए अब नहीं है? नाम के लिए है, मगर वाजपेयी के समय जो ढांचा बना था, जिसका चेयरमैन छोटे सहयोगी दलों से भी हो सकता था, वैसा एनडीए अब नहीं है। शिवसेना बीजेपी का विवाद किसी कॉमन फोरम पर नहीं सुलझाया जा रहा है। पुणे में अमित शाह की सभा में नारा लग गया कि छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद है, चले चलो मोदी के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया में बीजेपी के नेता का बयान है कि उसके मंचों पर शिवाजी की तस्वीरें होंगी, जय शिवाजी जय भवानी का नारा बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगाएंगे। तो क्या बीजेपी भी सेना को उकसा रही है? हिंदू में हमारी पूर्व सहयोगी प्रियंका काकोदकर ने लिखा है कि इस बार जब अमित शाह मुंबई गए और मातोश्री नहीं गए, तो शिवसेना के कार्यकर्ता पुरानी तस्वीर बांटने लगे कि कैसे मोदी ने बाला साहब ठाकरे के सामने सर झुकाया था। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शिवसेना को केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास महत्व नहीं दिया। शपथ ग्रहण तक शिवसेना के संभावित मंत्री नानुकुर कर रहे थे। शिवसेना ने भी 2 बार यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देकर बीजेपी के सामने बिग ब्रदर का रोल प्ले किया था, बड़ी बहन का नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना सुषमा स्वराज की काफी वकालत किया करती थी। संजय राउत का बयान था कि बाला साहब ठाकरे ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुषमा स्वराज को ही उपयुक्त माना था और उनके ये शब्द हमारे लिए आखिरी हैं। कर्नाटक विधानसभा में हारने के बाद सामना ने लिखा कि बीजेपी के सुपरस्टार मोदी ने जहां जहां प्रचार किए वहीं वहीं बीजेपी हार गई। क्या ऐसे बयानों के अतीत में इस खटास को देखा जाए या बीजेपी की नई चाहत को? अगर ये गठबंधन टूटा तो क्या राजनीति के छात्र हिंदुत्व के दो दावेदारों के बीच कोई तीव्र राजनीतिक संघर्ष देखेंगे? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सामना ने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का चोला उतारकर सेकुलरिज्म की टोपी सर पर ना चढ़ाए, अगर ऐसा किया तो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह जाएगा? मोदी को गुजरात में वोट मिलते हैं तो कट्टर हिंदुत्व की वजह से। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति की आउटलाइन बाहरी रेखाएं फिर से खींची जा रही हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया का यह कार्टून फिर से याद किया जा सकता है, महान कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण का बनाया हुआ है। इसमें बाल ठाकरे कुर्सी पर बैठे हैं और सामने वाली कुर्सी पर उनके पैर हैं। बीजेपी के नेता जो प्रमोद महाजन जैसे दिख रहे हैं, सीटों की बंटवारे की फाइल लेकर खड़े हैं और कुर्सी के नीचे मछिया रखी है जिस पर बैठने के लिए ठाकरे साहब इशारा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कम सहा है, काफी सहा है बीजेपी ने। हो सकता है कि सब पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। भारतीय राजनीति का यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। चुनाव के बाद शरद पवार शिवसेना के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे, ये भी एक अलग पक्ष है। ड्रामा एनसीपी कांग्रेस में भी कम नहीं है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि अलग हो जाएं, मगर नेता हैं कि साथ लड़ने का अंतिम समय तक प्रयास कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए। इतनी बेचैनी संसद में, पवार और उनकी पार्टी कांग्रेस या यूपीए से अलग लाइन लेने लगी है। अब एनसीपी नेता अजीत पवार कह चुके हैं कि वे पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में अब और काम नहीं करना चाहेंगे। कांग्रेस ने चौहान को ही नेता बनाया है। पृथ्वीराज चौहान ने अभी कहा है कि हम सभी सीटों पर
विचार कर रहे हैं अगर गठबंधन नहीं बन सका तो। कांग्रेस ने कहा है कि दो दिन तक आप इंतजार कीजिए महाराष्ट्र की जनता को। जिस तरह से दो हिंदुत्व दल अलग अलग नाम से हो उसी तरह का संकट यहाँ भी है कि दो कांग्रेस अलग अलग नाम से हैं। इस बीच मनसे के राज ठाकरे अकेले हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले गडकरी की उनसे मुलाकात पर सेना नाराज हो गई थी, जैसे 2012 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के दौरान अहमदाबाद बुलाया था, उनके साथ कोई फिलहाल बात नहीं कर रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव राष्ट्रीय हो गया है। गठबंधन टूटा तो महाराष्ट्र का चुनाव सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए लिटमस टेस्ट हो जाएगा। वैसे ये भी है कि वो चुनाव जीतने के बाद गठबंधन को कैसे बनाकर रख सकते हैं। यूपी और बिहार विधानसभा के चुनाव ने धोखा नहीं दिया होता तो अब तक बीजेपी फैसला कर चुकी होती। पितृपक्ष के कारण ही सब नहीं रुका पड़ा है। महाराष्ट्र का चुनाव चौतरफा हुआ तो किसे लाभ होगा? यूपी में तो बीजेपी को चौतरफा से लाभ हुआ, 73 सीटें मिल गई थी। लेकिन महाराष्ट्र में हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। प्रोफेसर सुरेंद्र वी जुंधाले साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं मुंबई विश्वविद्यालय से। शुभांगी खपरे हैं इंडियन एक्सप्रेस से हैं। नलिन कोहली प्रवक्ता बीजेपी और अनंत गाडगिल हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय कुमार दुबे हैं एडिटर CSDS के। और शिवसेना ने आखिरी वक्त पर सुधांशु जी उन्होंने मना कर दिया आने से, लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ बातें तो पूछ ही सकते हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, चारों तरफ माफ कीजिएगा नलिन कोहली हैं बीजेपी से हमारे साथ। नलिन, उद्धव ठाकरे का बयान कि कौन थे मोदी कौन जानता था लेकिन हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर उनका समर्थन किया, अब जब लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं कोई ऐसा बोल रहा है और फिर भी आप उसके साथ गठबंधन करने की उदारता प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई और बोलता तो शायद आप बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि हमारे रिश्ते पुराने हैं और जहां रिश्ते पुराने होते हैं वहां उनको मजबूत करने का हर प्रयास किया जाता है। अगर एक परिवार में पिता और बेटे के बीच या माँ बेटे के बीच या पति पत्नी के बीच में किसी दिन अगर थोड़े से शब्द ऐसे वैसे हो जाए तो उसका ये तो अर्थ नहीं है कि आप रिश्तों को तोड़ देते हैं। हाँ, तो ठीक है, बात सही है, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे भी तो कार्यकर्ता कुछ कहते हैं लेकिन हम लोग जो है प्रयास में है कि जो एक लंबा हमारा एक साथ रहा है वो साथ चले। पर इस तरह से बोले कि जब उनके पास दो सीटें थी बीजेपी तो हमने बीजेपी को मजबूत किया है ना, अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें मजबूत करें क्योंकि उन्होंने दिल्ली की राजनीति में आपकी हर बात को मानते हुए उन्होंने आपको मजबूत किया है। रवि जी, हेलो। हाँ सर, आपका जो प्रश्न का अंत था मैं सुन नहीं पाया था। नहीं, उन्होंने कहा है उद्धव ठाकरे ने कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की राजनीति में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खुले मन से मजबूत किया उसी तरह से आप लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति में उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन इसका एक बिल्कुल विपरीत प्रश्न उठता, क्या हमने कभी शिवसेना को मजबूत ना करने की कोई मंशा रखी हो या उनको किसी के रूप से हमने वीकन किया हो? अगर आप देखें तो सही है कि हमारी सीटें थोड़ी बहुत बड़ी हैं विधानसभा में, लेकिन 16 से 22 सीटें भी तो शिवसेना अब लड़ रही है लोकसभा में, पहले 16 लड़ती थी। अगर प्रकाश जावड़ेकर की, और यही सारे हम लोग मुद्दे रेस करें, प्रकाश जावड़ेकर जी का सीट जो था राज्यसभा का, हम लोगों ने उसे अपने महायुति के लिए छोड़ दिया। कोई हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि बुरा किया या कुछ, हम कह रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम भी तो कदम उठा रहे हैं। आप भी उठा रहे हैं, सब उठाते, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं उठाते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद लगता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या मेरा ये पूछना उचित रहेगा कि अगर ये परिवार है तो इस परिवार का मुखिया कौन है? हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या इतना कुछ होने के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे से किसी प्रकार का संपर्क करने का प्रयास किया या कि हम मिलकर नहीं लड़ते हैं, जो भी हो, या हम मिलकर लड़ते हैं? पहली बात है, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया या नहीं किया। हाँ। दूसरी बात है, जो मेरा आकलन है कि इस वक्त उनके प्रयास करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अभी जब पार्टी के स्तर पर अध्यक्ष काम कर रहे हैं, प्रभारी काम कर रहे हैं, हमारे पूरे स्टेट के जो लोग हैं वहां के अध्यक्ष, अन्य नेता, जब वो बातचीत कर रहे हैं तो मुझे कोई ऐसे कोई बात लगी नहीं कि मोदी जी को और उद्धव जी को तुरंत बात करना चाहिए। हाँ, उनको नहीं। लेकिन यदि कोई एक दूसरे से बात करना चाहे तो कोई रोक भी नहीं है, उद्धव जी भी बात कर सकते हैं, मोदी जी की अगर कोई बात हो करने चाहे तो करेंगे। मुझे लगता है कि हम तो इस रूप से कोई ईगो की बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
पर आपको लगता है कि ये गठबंधन बन जाएगा? मतलब इसके बनाने का क्या फायदा है कि फिर अब आप जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर उतनी लड़ाई लड़िए, तो पहले स्पष्ट कर दीजिए कि नेता कौन है आपका। कॉफी पी लीजिए। हाँ, जिंदगी में हाँ आगे के लिए आशा रखना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ आगे होगा क्या ये तो कोई भी बिल्कुल तय रूप से कह नहीं सकता। राजनेता इतना भी कह दे तो पब्लिक काफी समझ जाती है कि आगे क्या होगा। अभय जी, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बात चलिए इतने में भी हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, इतने भी ठीक बात है कि जितनी जितना कहना चाहिए जिस वक्त उतना ही कहना चाहिए। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा सा अब इसके क्या राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से एक दल का प्रभुत्व बढ़ा है पुराने तरीके से कांग्रेस का, क्या उसी तरह गठबंधन में जो छोटे छोटे दल हैं वो लोग भी अपना अपना लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए? कुछ लोग हैं जो तकनीकी आधार पर टेक्टिकल उसके हिसाब से आगे पीछे कर रहे हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट देते हैं, जैसे शरद पवार हैं। शिवसेना अचानक उसकी असुरक्षा को लेकर इतना क्यों उभारा जाने लगा है कि वो बीजेपी से डर गई है? देखिए, अगर बीजेपी डराने वाली पार्टी होती तो अब तक वो अपनी मर्जी का कर चुकी होती। देखिए, पहली नजर में ये चीज साफ तौर पर दिखती है कि राज्यों की राजनीति अलग दिशा में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र की राजनीति अलग दिशा में जा रही है। और उसका केवल महाराष्ट्र में ही नमूना नहीं है, आप हरियाणा में भी चुनाव जो होने जा रहा है वो भी उसका एक बहुत दिलचस्प नमूना है। इसकी परिस्थिति महाराष्ट्र से मिलती है। नहीं, पर हजका के साथ इन्होंने हजका की बात नहीं कर रहा, मैं हजका की बात से तुलना नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं हजका की बात कर ही नहीं रहा, वो तो आप कर, आपने बीच में ले आए। अच्छा, नहीं आपने हरियाणा का हजका का पूरा जिक्र ही नहीं किया। मेरा कहना यह है कि आप हरियाणा में देखिए, जो चौटाला की पार्टी है उसने प्रकाश सिंह बादल को अपना स्टार कैंपेनर नियुक्त किया है। वो लोकसभा में भी किया था। वो हरियाणा में आकर, हरियाणा में आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चौटाला की पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और हरियाणा में सिख वोटों का एक महत्व है, मतलब जो है, और उसके लिए हरियाणा के जो भाजपा के प्रभारी हैं उनको कहना पड़ा कि हमें किसी विशेष उसकी, मैं ही कह रहा हूं, पर ये स्पेस बीजेपी देती रही है अकाली दल को। नहीं नहीं, वो तो परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है, आप पहले की किसी भी समय के आईने में इसको नहीं देख सकते। देखिए, महाराष्ट्र में जब वो कहते हैं उद्धव ठाकरे कि दिल्ली तुम्हारी और महाराष्ट्र हमारा, तो वो तमिलनाडु मॉडल की बात करते हैं। इंदिरा गांधी का एमजीआर के साथ में एक मॉडल बना था सत्ता में साझेदारी का, वो स्पष्ट था कि तमिलनाडु में हमारी सरकार रहेगी, हमारे लोगों को ज्यादा टिकट मिलेंगे, केंद्र में आप ले जाइए आपको ज्यादा टिकट मिलेंगे, इस तरीके का चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही महाराष्ट्र में चल रहा था, सभी गठजोड़ इसी तर्ज पर चल रहे थे अभी तक, यहां तक कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हो चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ हो, सभी स्तर पर चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मानदंड को बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि हर चीज का मानदंड हमारा लोकसभा का प्रदर्शन होगा, लोकसभा में हमने जो हासिल किया है उसके आधार पर हम तय करेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते। हमारी जब 73 सीटें वो यूपी में ला सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं ला मैं कहां कह रहा हूं नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ इस बात पे रेखांकित कर रहा हूं कि वो ऐसा चाहते हैं बावजूद इसके कि उनकी ये थीसिस बिहार में और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में फ्लॉप हो चुकी है। तो इस वजह से नहीं, लोकसभा के चुनावों का नतीजा अनिवार्य तौर पर राज्यसभा के चुनावों में बिल्कुल उसकी प्रतिकृति, उसकी नकल नहीं बनती। ठीक है, वो कुछ और होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहना है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, और वो ये दावा कर सकती है, उसको दावा करने का पूरा अधिकार है, जब तक उसका दावा पूरी तरीके से गलत ना हो जाए, साबित ना हो जाए।